यात्रा तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी माने भागे यहाँ से। सारा कसूर अब्बे का है, उसी ने इस बदबख्त को सर पे चढ़ाया। अगर Wow guys, Zard Patto Ka Ban, is it really the worth watching drama? Absolutely yes. क्योंकि ये ड्रामा सीरीज जो है वो वुमेन्स पावर पे और इंडिपेंडेंस पे है कि किस तरह एक औरत को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के ड्रामास आजकल नहीं बन रहे हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई रोमांटिक बेस्ड ड्रामा नहीं है, बल्कि ये आपको गांव देहातों का माहौल दिखा रहा है, वहाँ की अवेयरनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे सब मिल बांट के बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पूरा गाँव खुशियाँ मनाता है, जैसा कि इस ड्रामा में हमने देखा जब मीनू ने टॉप किया और बाकायदा उसके बाप ने पूरे गाँव को बुलाया और सब ने आके हार पहनाए और सब कितना इंजॉय कर रहे थे। बट दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने ये भी दिखाया कि मीनू के भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कहाँ कहाँ पे भी थे, सब फौरन के फौरन घर पहुँचे। घर पहुँचने पे उन्होंने कहा कि भाई के लड़की को इतना डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ाई करने नहीं देना चाहिए, बिगड़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जिस पे उन्होंने कहा कि चलो अब हम इसको रोकेंगे। अब्बा ने बहुत छूट दी हुई है, भाई बाप तो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाप तो बेटियों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो भाइयों को भी करना चाहिए। और यही बात उसने मीनू ने आगे चल के बताई कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरे भाइयों को अच्छी तरबियत देती तो वो आज मेरे रास्ते पे रोड़े ना अटकाते। बहुत अच्छी लाइन्स थी ये भी। ये बात तो यही है कि अगर आप अच्छी तरबियत करोगे अपने बच्चों को, सबको इक्वल रख के, तो वो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ना कि एक दूसरे को काटेंगे। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये गांव देहातों में आज भी ऐसा ही है। और यही बात है कि इस ड्रामा को जो है वो इंडिपेंडेंस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है कि किस तरह सिर्फ मीनू का बाप है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। जब उसके भाई कहते हैं कि नहीं जी इसको शादी करनी चाहिए, इसको घर भेजना चाहिए, तो उसका बाप कहता है अच्छा चलो ठीक है करता हूँ, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है शादी करने के लिए, तुम लोग बताओ कि तुम लोग कितना कितना हिस्सा दोगे, काम करो 50,000 दे दो। तो मतलब सीरियसली उनको भी पता है कि ये सिर्फ बातों के ही हैं, काम वाम इन्होंने करना नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट करनी है। और यही वजह है कि जब उन्होंने पैसे मांगे तो सब तितर बितर हो गए, इधर से उधर चले गए, एक दूसरे का बहाना लगा के वहाँ से निकल गए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, आपको हर ड्रामा के अंदर जिस तरह का गांव दिखाते हैं वो वैसा नहीं है, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया है पूरे गांव का। जैसे मैंने आपको पहले भी एपिसोड 1 पर रिव्यू दे चुकी हूँ और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मौलवी साहब बात कर रहे होते हैं जुम्मे की ना ऐसा खुतबा देते हैं और सुबह से लेके शाम तक चंदा मांग रहे होते हैं और जिस तरीके से वो आवाज़ को खींचते हैं और फिर एकदम से जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ये सब स्पेशली गाँव के अंदर ही होता है। आप पंजाब चले जाओ, आप सरहद चले जाओ, वहाँ पे ऐसे गाँव आज भी मौजूद हैं जहाँ पे इसी तरह मौलवी साहब खुतबे और मौलवी साहब से वो चंदा मांगते हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा सिनेरियो इन्होंने बनाया है और मुझसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो ऑडियंस है ना वो डेफिनेटली किसी गांव की है। मतलब एक इतने सारे लोग इतनी बड़ी कास्ट तो नहीं ला सकते थे ये, तो इन्होंने हो सकता है कि किसी का, क्योंकि ये पूरा माहौल गांव में जिस तरह के घर बने हुए, छोटी छोटी दीवारें हैं, कच्ची ईंट से बनी हुई दीवारें हैं गाँव की, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने एक बहुत अच्छा गांव सेलेक्ट किया है, पूरा माहौल और बहुत सारे गांव के लोग भी इसमें नज़र आ रहे हैं जो एक नॉर्मल फैमिली से, उसी फैमिली उसी गांव से बिलोंग करते होंगे, इसलिए हमें ये लोग इस ड्रामा के अंदर नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी ऑडियंस तो हायर नहीं कर सकते, बट सीरियसली ये मास्टरपीस ड्रामा है जो कि वो डिज़र्व नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रोमांटिक नहीं है ना, जैसे हम लोगों को जान निसार देख रहे हैं आजकल, हम जो है वो जेंटलमैन है, जेंटलमैन तो एक मूवी टाइप का हमें नज़र आ रहा है, एक फिल्म बेस्ड ड्रामा लग रहा है। और ये ड्रामा विलेज पे बेस्ड है, ऊपर से
इसको उस तरह की ऑडियंस नहीं मिल रही है। हाँ, हर तरह की ऑडियंस अलग होती है, बट जो लोग गांव देहातों से प्यार करते हैं अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग 90-85% जो है वो लोग अपने, हर किसी का बैकग्राउंड गांव से ताल्लुक रखता है, तो डेफिनेटली जब ये ड्रामा देख रहे होंगे तो सबको अपने अपने गाँव की याद आ गई होगी। तो खैर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बेचारा डॉक्टर नौफल जो है वो अपने, उसके लिए एक तरह से उसे पता है कि नेगलिजेंस की वजह से जिस तरह उस बेचारे की वाइफ भी चली गई, फिर उसका बच्चा भी चला गया, तो एक शहर का माहौल भी दिखा रहा है हमें इस ड्रामा के अंदर, हॉस्पिटल का भी, कि आज कल डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरह बस खाल खींचने पर लगे हुए हैं इंसान के, उनको प्रॉपर जो है वो नहीं कर पा रहे, उनकी तरफ दिखा नहीं पा रहे हैं, उस तरह से डॉक्टर जो है वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, गलती की वजह से किस तरह एक बंदी की जान चली गई है। तो लेकिन वही बात सियासत दिखा रहे हैं गांव के हॉस्पिटल की, कि एक उद्दे पे होना, क्योंकि वो बंदा ऑनर है, फिर उसकी बीवी है, उस बीवी तो है ही उसकी, लेकिन डॉक्टर, और उस डॉक्टर ने जो किया है ओवरडोज दे दिया, ओवरडोज की वजह से जिस तरह उसकी डेथ हुई, तो उससे उल्टा उनको धमकाना शुरू करती है डॉक्टर नौफल को, और क्योंकि उसने डॉक्टर नौफल के लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी फियांस या उस जिसको वो पसंद करता है उसको ज़रूर निकाल सकते हैं उस हॉस्पिटल से। इसीलिए उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई डॉक्टर मलाइका को बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग तो डॉक्टर मलाइका की ही है। तो ये चीज़ें एक अलग, मतलब एक ही ड्रामा के अंदर आपको दो तरह के सिनेरियो दिखा रहे हैं, एक गांव का माहौल और वहाँ के लोग, वहाँ की रिहाइश, और दूसरा आपको शहर का माहौल जो आजकल चल रहा है, जिस तरह से हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, जिस तरह कोई अपने ओहदे का फ़ायदा उठाता है, अपनी पोजीशन का किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, ये सब देखने को नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड भी जर्द पत्तों की बन की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो ये ड्रामा ज़रूर देखे, इट इज़ रियली अमेजिंग, इट इज़ वर्थ वॉचिंग ड्रामा, और इसे मोर देन 2 मिलियन व्यूज़ मिलने चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि मीनू जो है वो फाइनली अपने कॉलेज जा सकती है, उसका जो भतीजा है वही उसको लेकर जाएगा। दूसरी तरफ किस तरह मलाइका को डॉक्टर बुला के धमकी देता है कि अगर मैं किस पोजीशन में आया तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी तकलीफ़ हो सकती है, तो वो क्या करेगी, वो कैसे डॉक्टर नौफल को इस चीज़ से समझाएगी, तो ये देखना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो इस एपिसोड के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ थी, वो थी मौलवी और मीनू की जो डिस्कशन हुई है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए थी, और जिस तरीके से उसका मुंह मीठा करने के लिए मौलवी साहब टॉफ़ी देते हैं उसको, और वही एक टॉफ़ी, क्योंकि मौलवी ने कहा था कि मेरा भी मुँह मीठा करवा दो, और टॉफ़ी उनको वापस करती है, तो दैट वॉज सीरियस हिलेरियस, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि अपनी बेटियों को मोटिवेट रखे। जब आप बेटों को मोटिवेट रख सकते हो तो बेटियों का भी तो काम बनता है ना, बेटियों को भी तो इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। तो सीरियसली बहुत अच्छा चल रहा है, बेस्ट डायलॉग डिलीवरीज है, स्टोरी लाइन, इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे से कैप्चर की है इन्होंने। सो होपफुली आपको भी जर्द पत्तों के बन की एपिसोड 2 का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।